रोज़ डे। साथियों आज हम इडियम जान लेते हैं, रोज़ डे का हिंदी में क्या मतलब होता है या इसका ये कब मनाया जाता है, इसके रिप्लाई में आप क्या कर सकते हो या इसका मतलब क्या होता है। रोज़ डे का हिंदी मतलब होता है गुलाब दिन या मोहब्बत के सप्ताह का पहला दिन है। रोज़ डे होता है वो मोहब्बत के सप्ताह का पहला दिन होता है, यानी वैलेंटाइन डे का वैलेंटाइन वीक होती है उसका पहला दिन होता है ये रोज़ डे, इसलिए स्पेशल है। ये 7 फरवरी को होता है, यानी 7 फरवरी को हम हर साल रोज़ डे मनाते हैं। रोज़ डे पर लोग अपने पार्टनर को फूल देकर प्यार का इजहार करते हैं, तो रोज़ डे मतलब यही होगा कि आप अपने पार्टनर या किसी की आप केयर करते हो, आप प्यार करते हो किसी से, तो उसे भी आप रोज़ डे के मतलब रोज़ डे मना सकते हो। अब आपको कोई रोज़ डे या मतलब हैप्पी रोज़ डे कहे तो आप उसे क्या कहोगे, उसे आप रिप्लाई में सेम टू कह सकते हो या थैंक यू भी कह सकते हो। इसके अलावा आप उसे रोज़ डे मतलब हैप्पी रोज़ डे भी कह सकते हो, वो सामने वाला आपके कहे कि हैप्पी रोज़ डे तो आप हैप्पी रोज़ डे ही बोल सकते हो। यही था रोज़ डे का मतलब और ऐसे ही इसका यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया। दी गई जानकारी पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।